हाय एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 और आपके साथ मैं हूं नम्रता शर्मा। भाई आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने आपको अपनी फिल्मों के जरिए बहुत एंटरटेन किया है, चाहे अपने तेवर दिखाकर, चाहे हाफ गर्लफ्रेंड के जरिए, चाहे टू स्टेट्स के जरिए या फिर इश्क ज़ादे के जरिए। जी हाँ, और वही शख्स अब इंडियाज मोस्ट वांटेड को पकड़ने की भी तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन अर्जुन कपूर की, और इसी फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता भी, जिन्होंने आपको आमिर, नो वन किल्ड जेसिका और रेड जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अर्जुन और राजकुमार सर, वेलकम टू E24। थैंक यू नम्रता फॉर हैविंग अस। थैंक यू। अर्जुन, सबसे पहले मेरा सवाल यही होने वाला था कि फिल्म की स्टोरी क्या है, इस पर मैं जाने वाली थी, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ एक डायलॉग्स थे जो गीता और कुरान से रिलेटेड थे, जी, उन पे CBFC की कैंची चली है, वो कितना नुकसान हो सकता है उसको लेकर फिल्म को? देखिए, नुकसान और मुनाफा तो पता नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं उस बारे में सोचना नहीं चाहूँगा नुकसान मुनाफे के, बट डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट होती है। एज क्रिएटिव पीपल वी ट्राइड टू पुट आउट अ मैसेज थ्रू द फिल्म, तो मैसेज उम्मीद करता हूँ डाइल्यूट ना हो, बट CBFC की मैं परिस्थिति समझ सकता हूँ। देखिए, अगर कोई चीज़ रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करती है, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, आवाम को कुछ चीज़ें पसंद आएगी, लेकिन माइनॉरिटी हो सकते हैं जो ऑफेंस ले ले, तो उससे ठेस पहुँच सकती है। राजकुमार सर, जब आपने ये फिल्म की शुरुआत की, क्या कुछ माइंड में था? हालांकि सच्ची कहानी पर ये फिल्म बेस्ड है, लेकिन एक आइडिया, एक सब कुछ चीज़ें लेकर आप चलते हैं, तो क्या कुछ पहला थॉट था? थॉट तो ये था कि क्योंकि ये कहानी इतनी करेजियस थी, ये कहानी इतनी ऐसी थी जो कही जानी चाहिए, हमारे अनसंग हीरोज़ के बारे में थी ये कहानी, तो उस कहानी को किस तरीके से कहा जाए, किस सच्चाई के साथ कहा जाए और सिंसियरिटी के साथ कहा जाए। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ था और 2011 में जाकर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था। अमेरिका जैसे देश को इतना टाइम लग गया एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। भारत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है जैसे इतने टेररिस्ट हैं, मसूद अजहर चाहे हो गया, अब तो इंटरनेशनल आतंकवादी हो गया है, इन जैसे टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अभी और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, एक्शन मैं ये मानना चाहूँगा और मैं ये जानता भी हूँ, ये फिल्म करने के बाद कोशिश जारी है, ऐसा नहीं कि लोग घर पर बैठ के आराम कर रहे और नई कोशिश कर रहे। जब हिंदुस्तान से बाहर लोग चले जाते, बहुत मुश्किल हो जाता है मामला, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। अर्जुन, पहले जब फिल्में आती थी जी, तो रोड साइड पोस्टर्स लग जाते थे बड़े बड़े और ऐसे इनका प्रमोशन होता था। हाँ। अब ये चीजें सोशली आ गई हैं, मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी फिल्मों को प्रमोट कर सकते हैं। जी, जी। आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज पे और कितना प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं? सोशल और डिजिटल मीडिया की बात कर, देखिए, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, मीडिया इवॉल्व हो रही है, और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो भी इवॉल्व हो रही है। आज मैं चाहूँ तो घर बैठे बैठे भी फिल्म की मार्केटिंग कर सकता हूँ, या फिर अगर किसी चीज़ पर प्रचार करना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपना मोबाइल ऑन करके उसके बारे में बात कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है एक्टर के लिए। अर्जुन, सुना है कि जब आपने ट्रेलर दिखाया था अपने पापा बोनी कपूर को, तो वो इमोशनल हो गए थे? मैंने एक्चुअली क्या किया था ना, मैंने जब टीजर निकला था, मैंने उनको दिखाया नहीं, मैंने वेट किया जब वो यूट्यूब पे आ गया, ताकि ही ऑल्सो सीज इट लाइक एन ऑडियंस। नॉर्मली क्या होता ना, वो घर आते, मैं प्ले करता, बड़े पर्दे पे देखते और अपना रिएक्शन देते, तो वो बतौर एक फादर होता। I also wanted him to enjoy this film's material like the audience, because it is a film that takes you by surprise. Because जिस गहराई में जाके इन्होंने प्रेजेंट किया है फिल्म के मुद्दे को और जो इंसिडेंट था, वो आप देखने से ही महसूस कर सकते हो, लाइक अ व्यूअर, यू नो, जो टीजर था, तो जब उन्होंने देखा, आई थिंक ही रियलाइज, यार मेरे लड़के ने बहुत रिस्पॉन्सिबल पिक्चर की है, जो कहीं ना कहीं आई थिंक मैं उस मकाम पर हूँ कि सोच सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमने इतनी सेंसिटिव फिल्म बनाई है। चलिए, उम्मीद करते हैं अर्जुन आपकी फिल्म सुपर हिट हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि कंटेंट आजकल मैटर कर रहा है और आपकी फिल्म के ट्रेलर में वो कंटेंट दिखाई देता है, तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस थिएटर तक जाए और 24 मई को ये फिल्म देखे जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट वांटेड। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, और आप भी बॉलीवुड की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए E24।